पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम भूदेव प्रसाद शर्मा। अच्छा, कहाँ से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ तहसील इगलास से हूँ। अच्छा, तो यहाँ कब आए आप? मुझे यहाँ हो गए करीब 11-12 माह दिन आए। अच्छा, तो क्या मांग है आपकी जिस वजह से आप यहाँ अड़े हुए हो? भाई, हमारी मुख्य मांग एक तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित की है, वो एक गारंटी कानून बनना चाहिए। 100% माल किसान का खरीदा जाए। अच्छा, पर जैसे सरकार कह रही है कि MSP से तो छेड़छाड़ी नहीं की गई। नहीं, छेड़छाड़ ना है तो वो तो अंधो कानून हो भाई, लंगड़ो कानून है। वो का है तो यानी पहले भी आपकी नज़र में ये कानून बेकार था? हाँ, बेकार हो। तो जब ये कानून पहले भी बेकार था तो आपने पहले क्यों नहीं इसके खिलाफ आप अड़े जो आप खड़े हो? ऐसा है कि पहले भी इसकी मांग की थी, लेकिन वो लंगड़ी सरकारें, आज हमारी सरकार मजबूत है। यानी आप मानते हो कि मोदी जी की सरकार मजबूत सरकार मजबूत है और ये कर सकते हैं, करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप अड़े हो कि आपको पता लगता है कि सरकार कर सकती है इस कानून को। लेकिन सरकार कह रही है कि MSP जो पहले चल रहा था, जैसे जो पंजाब के किसान आए उन्होंने ये बोला कि जो हमारी पहले की MSP थी वो हमारी सही है, हम उसमें खुश थे। अब अगर आप उसी आंदोलन में आप साथ में हो तो यहाँ तो दो विचार हो गए आपके। नहीं, विचार एक है, मांग क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो पहले वाली MSP सही थी। नहीं, वो जो कह रहे हैं वहाँ में थोड़ा घुमाव। क्या घुमाव है? व्यापारी ने लूट करिए दो वहाँ धंधे। जैसे बाजरा कीमत रखी 21,500, तो बाजरा बिके 1,000 को 1,200 को, मक्का कीमत रखी 1,850, मक्का बिकी 800-900, ऐसे ही करके बहुत सारी बात। पहले भी थी? नहीं, पहले हती। हाँ। लेकिन पहले लंगड़ी सरकार रही। हाँ, वो कमजोर सरकार रही, वो नहीं कर पाई और फिर किसानों ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब लेकिन आज हमें विश्वास है, सरकार ये कह रही है कि हम जो बिल लाए हैं, अब जैसे APMC इसमें जोड़ा है, वो इसलिए जोड़ा है कि इससे क्या है, जो आपकी जो स्थिति वो मजबूत बनेगी। ठीक है, मैं मान रहा हूँ। हाँ, मैं मान रहा हूँ। इसमें कहाँ दिक्कत है? नहीं, मैं दिक्कत बताऊंगा। ये तीन जो कानून लायक आए, ये तीन कानून जो लायक आए, यहाँ में दिक्कत ये है कि भंडारण को करते पूंजीपति और जाति जो भंडारण है जाओ, आप महंगाई जरूर ला भाई। तो आम जनता पे फर्क पड़ेगा, जाको किसान पे तो किसान पे, आम जनता पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, भंडारण कौन करता था? लेके हुआ डेढ़ बेचे को। भंडारण कौन करता था? भंडारण पूंजीपति करता हमेशा, पूंजीपति नहीं करो का सरकार हम देखो। भंडारण बिचौलिए करते थे? नहीं, कोई बिचौलिया करो, पूंजीपति करो। हाँ, बिचौलिए हो गए ना वो। हाँ, कोई किसान और सरकार के बीच में। हाँ, जो आया वो या तो बिचौलिया कह लो या पूंजीपति कह लो। बिल्कुल सही है। अब मोदी सरकार कह रही है हमने बिचौलियों को हटाने का काम किया है, तो दिक्कत कहाँ है? किसान आदमी हूँ लेकिन भाई किसान भाई कौरिया है। अब सरकार क्या कर रही है, अगर आपने वो बिल पढ़ा हो ढंग से, जैसे APMC जो बिल है, जितना मैंने पढ़ा है, अगर मुझे नहीं पता कि आपने अच्छी तरीके से इसका अध्ययन किया है नहीं किया, उसमें सरकार ये कह रही है कि जो कंपनी आएगी, जैसे अब आजकल ये कह देते हैं अरे सब कुछ बेच रही है सरकार, प्राइवेट कर रही है ना। प्राइवेट का मतलब क्या है? क्या सरकारी काम से खुश थे पहले आप लोग? नहीं, प्राइवेट का मतलब ये है किसी चीज़ को ठेका पे देना। ठेका पे देना, तो अब जैसे हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाते हैं ठेका पे और वो जल्दी बन जाती है, उससे पैसे की भी लागत हमारी कम आती है, ठीक है, और जल्दी भी काम हो जाता है। ठीक है, जैसा आप यही सेम चीज़ इसमें आई है, उन्होंने क्या करा, किसी एक आदमी को ये उस पर दे दिया कि आप ये सारी खेती जितनी भी खेती है इसका जो लागत है वो आप मूल्य पहले बता दोगे किसान को। पहले क्या होता था, जैसे आपकी 4 बीघे खेती है, ठीक है, अब जब उसमें गेहूं हुआ, आप गए मंडी, ठीक है, वहाँ पे आपको भाव पता चला 20 रुपये किलो, ठीक है, अब आपको पता है कि कहीं पे 40 भी है और वहाँ पे उसने क्या कह दिया कि भाई हमारे यहाँ जगह नहीं है माल में, गोदाम में माल रखने की जगह नहीं है, आपको 20 में देने की मजबूरी पड़ गई क्योंकि आप अपने घर में रख नहीं सकते, आपका घर है छोटा, ठीक है। अब सरकार ने क्या करा, सरकार कंपनी लाई, कंपनी ने क्या कहा कि चाहे बाजार में कीमत कुछ भी हो, चाहे घटे, हम तुम्हें 25 रुपये देंगे, चाहे बाजार की कीमत 15 रुपये हो। आप पहले ही निश्चिंत हो गए, खेती कर बीज डालने से पहले ही आपके रेट लग गए कि आपको 25 रुपये मिलेंगे, चाहे बाजार में नाज की कीमत 5 रुपये हो, इसकी तो गारंटी दे रही है। फलता फूल का उदाहरण बताऊंगा। ऐसा है कि जब प्राकृतिक आपदा होती है, ओलावृष्टि होती है और वर्षा हो जाती है,
फसल खराब हो जाती है और 1% भी खराब होती है और ज्यादा क्षेत्रफल में लग जाती है, पैदावार ज्यादा आ जाती है, तो व्यापारी बीच बहाने लगाता है, उस माल को खरीद नहीं पाता है, बिल्कुल किसान को मजबूरी में देना पड़ता है। इसमें ये डिले है और किसान कहीं जा नहीं सकता है क्योंकि इसमें SDM तक वो करें कानून। SDM तो एक लोकल आदमी को वहाँ मैंने कहा चप पढ़े लिखे और वैसे हुए तो SDM तो बहू की थोड़ी भड़क में आ जाते हैं। अगर इनको लेना है तो नए सिरे से किसान संगठन, किसानों का मशवरा, वैज्ञानिकों का और संगठन को ये इसे पार्थ विधि से अपनों सबकी। लेकिन अब देखो जो असल में क्या है, अभी आधे से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है, MSP की फुल फॉर्म भी नहीं पता है, हाँ, नहीं वो है। सारे ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, वो केवल डिपेंड है किन पे, आप जैसे जो अधिकारी हैं उन पे, जो वो कह देंगे वो ठीक है उनके लिए, ठीक है। लेकिन आधे से ज्यादा अधिकारी ऐसे हैं जो केवल अपने मतलब के लिए रोटी सेक रहे हैं वहाँ, आप आधे से ज्यादा अधिकारी ऐसे हैं। अब जैसे मैं बताऊं, अगर सरकार को आपको तैयार करना है, राजी करना है, तो कहीं ना कहीं आप भी झुकोगे, सरकार भी झुकेगी, तभी तो फैसला होता है। हाँ। अब आप कह रहे हो जो पराली जलाने के ऊपर जो आपने कानून बनाया था, इस पे जो आपने दंड रखा था उसको भी माफ करो, क्या पराली जलाना सही है? नहीं नहीं, देखो मैं बताऊं भाई, पराली मांग ठीक है, नहीं पराली जलाने से कितना प्रदूषण होता है, उससे ज्यादा तो ईंट भट्टा है, फैक्ट्री है और बहुत सारे जहाँ, लेकिन जहाँ वहाँ से पैसा मिलता है सरकार को, कहाँ से? भट्टा से मिलता है, फैक्ट्रियों से मिलता है, भाई पराली से किसान पैसा तोड़ देता है। सरकार पराली ना जलाने, लेकिन सरकार तो सॉल्यूशन बता रही है आपको कि पराली मत जलाओ, पराली का उपयोग कहाँ होगा ये भी बता रही है। तो वो केजरीवाल जी ने, केजरीवाल ने कहीं कोई केमिकल बनाया है, अपनी तरफ से छिड़काव करवाया है, ऐसे ही सब प्रांत करें बने बने वहाँ, लेकिन मतलब सही है वो काम, हाँ, तो फिर पराली नहीं जलेगी। नहीं, जो केजरीवाल जैसे कर रहे कहा है, जल्दी गड़ जाए, सड़ जाए, तो उससे फायदा तो है क्योंकि एक जैविक खाद और बने के तैयार है वो, बिल्कुल बातें, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, बिल्कुल भाई, जो सही बात है वो सही है और गलत है वो गलत है, लेकिन केजरीवाल की होड़ तो करें और प्रांत। अब चलो मैं आता हूँ कि जो आपने किसान आंदोलन में ये कहा जा रहा है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का साथ नहीं लेंगे, हाँ है ना, हाँ। अब हमने क्या पूरे हिंदुस्तान ने ही देखा कि मंच पे खड़े होकर, सिंधु बॉर्डर पे खड़े होकर के लोगों ने भाषण देने भी स्टार्ट कर दिए, लोगों ने बिरयानी भी बांटनी शुरू कर दी है। मैंने खुद देखा अपने, मैं आपको वीडियो सहित आपको सबूत दे सकता हूँ कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, ठीक है, चुनाव भी लड़े और वो वहाँ पे जाके केले बांट रहे हैं और लोग खुशी से खा रहे हैं। देखो अब इस पे क्या कहोगे? देखो सुनो, ये बात तो मैं आपकी ये सिरे से इस तरह से नहीं मानूंगा, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। अच्छा सुनो सुनो, ये किसान है, ये सबका पेट भरता है, 84 लाख योनी इस धरती पे होती है और 84 लाख योनियों का पालन करने वाला एक धरती पुत्र है तो एक किसान है जो धरती की सच्चे दिल से सेवा करता वो है। वो वहाँ किसान बन के नहीं आए, उन्होंने बोला आम आदमी पार्टी ने कि हम आपका साथ देते हैं। भाई चेंटी से लेके हाथी तक और चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक सरकारें इसलिए भी गिरी कि वो करप्शन में लिप्त थी। नहीं मैं मोदी जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ, हर टपके की बात करते हैं, लेकिन मैं एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ मोदी जी से, भाई मोदी जी अगर सुने मेरी चैनल के माध्यम से, आपके और भी चैनलों पर मैंने कहा है, भाई किसान के मन की बात सुन ले, क्या ही तो मन की बात किसान ने खूब सुनी है, और क्या देश में हम तुम सब जानते हैं 50-60% वोट पड़ता है, बामे और पार्टी है, जाए 30% के लगभग वोट मिल जाए। मोदी जी ने किसानों के बारे में कभी सोचोगे जिन्हों ने किसान ने कहा कोई कार्ड ऐसा बना दू क्या सस्तो डीजल मिले खेत जोतवे का दें या पानी लगावे के कागे? मोदी जी ने जनधन योजना चालू करी, आपको पता होगा, और पहली बार शायद 1947 से लेके अब तक पहली बार हुआ है कि किसानों के खाते में गए। चलो ठीक है, है ना भाई, 2000 रुपए उन्होंने देना शुरू किया, चलो ये योजना सही करी, मोदी 6000 रुपया दे रहे हैं। अब 18 घंटे बिजली आ रही है, लेकिन जब बिजली यूज करोगे तो बिल तो देना पड़ेगा। नहीं दे रहे हैं तो बिजली नहीं आती थी, देश के विकास के लिए फ्री। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बिजली फ्री कर दी, ठीक है, क्या आप इसे सही मानते हो? नहीं, किसान एक टूटा हुआ टपका है साहब, सबसे गरीब स्थिति है तो देश के अंदर एक किसान की। किसान 40 लाख की गाड़ी में चलता हुआ देखा आपने कभी?
किस किसान के पास है 40 लाख? आप सिंधु बॉर्डर पे जाके देखो 40 लाख की गाड़ी में किसान चल रहा है। नहीं, उनके भाई कहीं ना कहीं या तो राजनीति में होंगे या किसी अच्छी सर्विस में होंगे, पर वो मैंने तो मैं उसको किसान, मैं किसान उसको मानता हूँ जो किसान खेती करता है, खेती करता है, खेती करने वाले किसान पे अगर किसी पे पूरी इंडिया मुझे दिखा दो, आप जो चाहे वो दंड मुझे दे देना, किसान पे कर्जा होगा, बिल्कुल किसान पे कर्जा होगा। चलो एक बात बताओ कि आप मुझे दो कमी बताओ कि मोदी जी सरकार जब से आई है 6 साल में, दो ऐसी बड़ी कमी जिससे देश को नुकसान हुआ हो। सबसे पहली कमी तो ये किसान के साथ में, किसान रीढ़ की हड्डी है, किसान टूट गया तो देश टूट गया। कोरोना काल में सारे कारखाने फैक्ट्री सब बंद रहे और मैदान में डटे तो किसान डटे और अर्थव्यवस्था सही करवे का जमाने अन्न पैदा करो, बिल्कुल। और कोरोना काल में कोई की लूट भाई, और लूट कैसे भाई कि जहाँ पहुँचना है चीज माँ तो 1 रुपया की निकी 100 रुपया में, और जहाँ चीज पैदा भाई माँ ले वाल लो माँ 100 रुपया चीज किसान ही पिक गई, तो बुरी हालत भाई तो किसान की भाई। 1 रुपया 100 रुपया में बेची ले जाएगी तो बिचौलिया ने बेची। सब्जी पैदा करने वाला भूखा मरता है और सब्जी बेचने वाला मौज मारता है। अब फिर वही बात आ गई बिचौलिए वाली। अब बिल्कुल है। अब जब सिस्टम बिचौलिए का नहीं होगा, बिचौलिए का सिस्टम खत्म तो कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो खत्म होने वाला ही नहीं है। अच्छा हाँ, ये तो बिचौलिया तो कभी खत्म नहीं होगा भाई। सरकार कितना जोर लगा ले और कोई जोर लगा लो, ये तो एक, मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, ये तो एक इकोनॉमिक्स ही है। बिल्कुल, जब तक आदान प्रदान नहीं होगा, नहीं होगा, सही बात, देश आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, अब दो कोई दो अच्छी चीज बताओ उनकी कि उन्होंने देश के विकास में बहुत बढ़िया चीज करी हो। देश के विकास में उन्होंने ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं। एक तो जम्मू कश्मीर में जो 70 और 35 हटाई गए, ये दोनों काम उन्होंने बढ़िया करे। अच्छा, क्यों के हमारे भारत वर्ष एक झंडा, एक कानून, एक देश। बिल्कुल भाई, हमें माँ कागुआ दिखा ना हो, अब कोई माँ ले ओ और मत ले ओ, जाओ और मन जाओ। ये उन्होंने धन्यवाद का काम किया है और मजबूत सरकार थी जब ये निर्णय लिया है। बिल्कुल, मैं इस बात से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैंने उसी दिन उनको धन्यवाद दिया था। मतलब आप मानते हो कि मतलब एक कहीं ना कहीं मजबूत सरकार है, एक है। हाँ, और अगर ये बिल अगर वापस लेती है या इसमें संशोधन करके इसको ठीक करती है तो मतलब आपके लिए मैं फिर कर बंद निवेदन करता हूँ, इससे वो इसका अध्ययन करे। MSP है, MSP को कानून बनाने से किसान की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुधर जाएगी। क्यों? 100% गारंटी हो जाएगी माल खरीदने की सरकार की, तो जो बिचौलिया हथकाएं वो इससे कम रेट पे फिर नहीं लेंगे, चाहे कहीं भेजें। सही है। और निर्यात करना ये बिचौलियों का काम होता है, सरकार का काम होता है। अब ये कहते हैं किसान कहूँ जाके बेचे, मैं एक 5 एकड़ को या 2 एकड़ को या 10 एकड़ किसान हूँ, बताओ मैं तमिलनाडु ले जाके बेचूंगा या पाकिस्तान ले जाके बेचूंगा? नहीं, उन्होंने आप समझे नहीं इस बात को। मैं आपको बताता हूँ कि जो किसान को ये नौता दिया था कि अब किसान जो है पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है अपनी फसल को, उसका ये मतलब था कि जैसे अब आजकल सबके पास मोबाइल है, अभी आपने दिखाया फेसबुक भी चला रहे हो, यूट्यूब भी चला रहे हो, ठीक है, यानी आप इंटरनेट यूज़ करते हो। आप अपनी फसल को, इसमें क्या है, सरकार एक आपको ऐप देती, उस ऐप के जरिए आप अपनी फसल का दाम पूरे देश में, राज्य में कहाँ कितना दाम चल रहा है, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाता भाई। देखो, जहाँ आपको बढ़िया लगता किसान, मन ऑनलाइन आप अपने मैं मानता हूँ आपकी तो बात है, ये ठीक है नहीं है? मैं मानता हूँ आपकी बात है, लेकिन ये अभी सक्षम नहीं है, न मेरा किसान इतना सक्षम है। लेकिन अब जैसे सक्षम नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अब जैसे अभी क्या है, नोटबंदी हुई थी, ठीक है, नोटबंदी हुई थी, उसमें क्या हुआ, पहले किसी को ये डिजिटल पेमेंट नहीं आती थी, मोबाइल से पे करना, ठीक है ना, कम से कम 80% लोगों को, क्योंकि 70% आबादी हमारी गांव में रहती है, ठीक है, और 30% शहरों में, तो 70% तो वो हो गई जो मोबाइल नहीं चलाती थी, 30% में थे, 10% और निकाल लेते हैं, तो 80% हमारी आबादी ऐसी थी जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती थी। अब कम से कम 80% आबादी ऐसी है जो ऑनलाइन पेमेंट करना जानती है। क्यों जानती है? मजबूरी बन गई, 80% तो सीखे तो ऐसे ही। अभी 80% नहीं है साहब, फिर भी चलो 60 मान लो, पर मैं ये बता रहा हूँ आप, लेकिन सीखे तो मजबूरी में। नोटबंदी मोदी जी ने की, लेकिन देश को लाभ क्या हुआ इससे? देश को, आज मैं आम आदमी हूँ,
पूछने का मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आम आदमी को ही अधिकार है, बड़े खुले दिल से बैठक हो रही है। बिल्कुल, आप जवाब सवाल ले रहे हो मेरे से, और ये शायद है, मुझे उम्मीद है कि ये आगे जाएं। बिल्कुल जाएंगे, ये जवाब जो है ऊपर तक जाएं, तो मुझे बड़ी वो होगी साहब। इससे लाभ तो मेरे दिमाग में तो कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छा, अब इससे नुकसान क्या हुआ ये बताओ। नुकसान ये हुआ कि काला धन जो मोदी जी ने वायदा किया था, काला धन क्या है आपकी नजर में, किसे कहते हैं काला धन? काला धन ये है कि मोदी जी ने बताई कि भाई 60 साल की काला धन इतना बाहर विदेशों में जमा है, उसे 60 दिन दे दो, मैं उसे लाऊंगा। और शायद है कि अब तो वो कहता जो कह के जुबला था ये हमारा, अमित शाह जी ने बोला था, उन्होंने अमित शाह जी ने खुद कहा था। हाँ, हमें आपने सुनी ये बात, अमित शाह जी ने कहा है कि ये जुमला था। हाँ, जुमला का आपने सुनी ये बात टीवी पे, ईमानदारी से? हाँ, ईमानदारी से आपने सुनी ये बात? मेरे दिमाग में ये बात आई है। नहीं, दिमाग में बात आना ये, और शायद चैनल पे मैंने देखा, शायद काम नहीं चलेगा अंकल जी। भाई अब अगर आप 100% ये ईमानदारी से बताओगे कि भाई मैंने सुना था अमित शाह ने बोला जुमला है, ये मैंने एक दिन नहीं कई दिन सुना था, मुझे 60 दिन दो 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये जुमला था। जब 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 ये बात चली कहीं बैठक में, तो राजनीति पार्टी में ये बात हुई है कि ये तो एक हमारा चुनावी स्टैंड था। अच्छा अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि जब नोटबंदी हुई तो आपने सुना था कि कई नहरों में कई लोगों ने नोट जला दिए, नहरों में फेंक दिए, फैक्ट्री वालों ने, बिजनेस वालों ने अपनी जो उनकी वो थी, जो एम्प्लॉय थे, उनको 6-6 महीने की तनख्वाह दे दी, सुनी थी आपने ये बातें? देखो जी, सुनवे में तो आई। हाँ, बात टीवी पे देखी नहीं थी आपने? टीवी पे देखी, लेकिन मैं इतने माँ पकड़े गए है ना, लेकिन मैं देश से खबरें आई थी कि नहीं आई देश से खबर? तो ये क्या था, सफेद धन था काला धन था? और इस बात को मैं कोई अपना नोट क्यों चलाएगा? देखो, मैं एक आम आदमी, एक आम किसान आदमी हूँ। जो बड़े जो ये कालाबाजारी वाले लोग थे, जो सरकार को कुछ देते थे, जैसे किसी ने 100 करोड़ रुपए महीने कमाए, उसमें से वो 1 करोड़ रुपए सरकार को दे देते। पहली सरकारों की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सरकारें चुप रहती थी, उसमें से 99 करोड़ वो बाहर भेजते थे हवाला के थ्रू। ठीक है, सरकार को नुकसान कहाँ हुआ, वो 1 करोड़ रुपया भी खत्म हो गया। तो इकोनॉमी पे इफेक्ट तो पड़ेगा जब कोई चीज़ नई होगी। अब जैसे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो आपको लगता है बजट खराब होता है ना हमारे घर का? खर्चा तो ब्याह शादी होती है, बजट खराब होता है ना? खर्चा बढ़ता ऐसे है। ही कोई जब नई चीज़ देश में होती है तो कहीं ना कहीं बजट हमारा खराब होता है, लेकिन उसके जो आगामी परिणाम है वो आते हैं नज़र बाद में, जिसके हमें पेशेंस, हमें धैर्य रखना पड़ेगा, उसके लिए रखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं, धैर्य तो जनता ने बहुत रखा। देश मजबूत हुआ या नहीं हुआ? देश मजबूत हुआ। पाकिस्तान डरा या नहीं डरा? पाकिस्तान की क्या, चीन डरती है? डरती है, बहुत बढ़िया बात। ये आपने ईमानदारी से बात बताई। आज आज हम खुल के बोल सकते हैं कि भाई हिंदुस्तान में वो दम है कि हम चीन और पाकिस्तान को आराम से इनकी औकात दिखा सकते हैं, है ना? नहीं, देश का जवान हमारा तो ये मजबूत। नहीं, देखिए, देश का जवान पहले भी बोलता, पहले भी वही जवान थे, 1962 में हारे वही जवान थे, आज भी वही जवान है। जब हथियार गए महाराज जमाने पे, हाँ, तो हथियार कौन लाया? बबू ने के डंडन ते लड़े मारे धारे चीनी, हथियार कौन लाया? हाँ, मजबूत किसने करी सरकार? सरकार नहीं, मोदी जी ने। हाँ, जो कुछ भी किया है वो सही है, इस पर जल्दी ही उनको निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल लेंगे वो। अब मैं बताता हूँ, जब ये बात चल रही थी, किसान आत्महत्या पहले भी कर रहा था, 70 सालों से कर रहा है किसान, है ना? यानी ये आप मानते हो कि जो पहले कानून थे वो खराब थे, इसीलिए कर रहा है ना? जो कांग्रेस आज के टाइम पर किसानों को बरगला रही है कि ये काला कानून है, वही कांग्रेस की किसान पिछले 1947 से लेकर 2014 तक, बीच में 2-4-5 सालों के लिए कोई सरकार, दूसरी सरकारें आई हैं, उसके साथ आप उसमें से हटा दो 15 साल, तो 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने अभी तक किसानों के लिए क्यों ऐसा कुछ भी नहीं किया, और आज आके वो किसानों के साथ में अपनी राजनीतिक रोटियों को सेक रही है। कांग्रेस हो अन्यथा और विरोधी दल हो, किसान वास्तव में दुखी है कि दिल्ली आए हुए। बिल्कुल, और सरकार ढूंढ रहे हो। बिल्कुल, सरकार न्याय मिल रही नहीं, ये नहीं कह सकते आप। ये सरकार ने कोई ऐसा क्रिमिनल काम नहीं किया है, रोज तारीख में तारीख डाल रही है। सरकार को ये निर्णय बहुत जल्दी पहले ही ले लेनी थी। आपके 35 से 40 आदमी जा रहे हैं, 5 मीटिंग हो चुकी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार गायब है। सरकार आपके सामने खड़ी है,
सरकार आपको तारीख दे रही है, तारीख पे तारीख नहीं दे रही, तारीख इसलिए दे रही है कि इस पर निर्णय लिया जा सके आराम से तसल्ली से बैठ के। अब 9 तारीख सरकार ने बताई कि भाई फाइनल कर देंगे इसमें, तो सरकार भाग कहाँ रही है? सरकार तो यही है सर, पहली सरकार है जो बुला के बात कर रही है, पहले तो सरकारें बुलाती भी नहीं थी। लेकिन अगर इनको कोई लेकिन लेकिन कोई आपका अपमान करना उस टाइम पे उस टाइम से ही अपमान कर सकते हैं। अब आप समझते हैं कि वो भी मतलब एक किसान देश के नागरिक हैं और किसान देश के प्रधानमंत्री हैं और सबसे पहले उनके सामने किसान ही आता है। अब आप यहाँ हाईवे रोक के बैठे हो, ठीक है, कितना बड़ा हाईवे है, लेकिन क्या किसी ने आपसे कुछ एक शब्द भी बोला? नहीं, हाईवे रोका कहाँ साहब? नहीं नहीं, हाईवे रुका पड़ा है, आप इसको ये नहीं कह सकते। नहीं नहीं, आने जाने का रास्ता खुला हुआ है। नहीं जो हम तो साइड में बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर नहीं, आप ऊपर रुका हुआ है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश से जो सब्जियाँ आती हैं वो भी किसानों की ही सब्जियाँ हैं, उनके ट्रक चल रहे हैं, तो क्या इससे किसान का नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं तो भाई, हमने कहीं न सिंधु बॉर्डर पे न यहाँ साइड में रास्ता दे रखा है। साइड में नहीं, रास्ता नहीं दे रखा है, वो है इन्होंने किया है। हमने पहले प्रयोग करके देख रहे हैं भाई, किसान भारतीय किसान यूनियन ने तो कभी भारत बंद किया नहीं है, राजनीतिक पार्टी करती तो अब के पहले प्रयोग है कर लीजिए, देखो क्या मतलब। पहला प्रयोग भी मजबूत सरकार के उसमें ही करोगे जो सरकार देश के लिए काम कर रही है? पहली जो सरकारें जो देश को लूट रही थी उनके सामने आपने कभी भी ये प्रयोग नहीं किया? नहीं, उनके सामने भी संघर्ष किए तो उन्होंने मांग, संघर्ष ऐसो संघर्ष तो कभी ना करो, उन्होंने मांग मानी है ये, और उन्होंने इतना टाइम ही नहीं लगाया है, लेकिन ये सरकार मजबूत है और हमारी बनाई हुई सरकार मजबूत है।